एंड क्लॉथ में टेरेबल को और डिटेल में करते हैं। मान लो किसी नाइफ से मुझे किसी टेंट को कटवाना है, सेगमेंट बढ़ा दो, मुझे ये वाले वर्टेक्स इससे अटैच कराने ताकि क्लॉथ गिरे ना। तो पहले तो इसे एन क्लॉथ बना दो, क्लिक ऑन एन क्लॉथ। अब ये पार्ट ये गिरेगा, मैं चाहता हूं गिरे ना, टेंट की तरह कॉर्नर से बंध जाए। तो इतना एरिया सेलेक्ट करके और इसके शिफ्ट के साथ वर्टेक्स सेलेक्ट करके कंपोनेंट टू कंपोनेंट देखो बाइंड हो गया। ऐसी अगले में कंपोनेंट टू कंपोनेंट बाइंड हो गया। अब देखो ये गिरेगा नहीं बिल्कुल भी, ऐसा हो रहा है। मैं चाहता हूं नीचे फ्लोर लग जाए, फ्लोर को बना दो पैसिव, और देखो ये स्ट्रेच बहुत हो रहा है। तो इसकी भी ना प्रॉपर्टीज है एनक्लोथ की, ये प्रॉपर्टीज हैं लाइक स्ट्रेच कितना करना है कितना नहीं कराना। बढ़ा के देखते हैं, अभी 20 है, 100 करते हैं। अब देखो कम हो रहा है ना, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई इसकी पहले से। और कम हुआ पहले से, हाँ ऐसे दिखाई देगा। कोई डाउट यहां तक? अब मैं बता रहा हूं, अब मैं चाहता हूं पीछे से मान लो कोई कैरेक्टर है अलादीन का, उसने तलवार चलाई और एक हैंड फट गया। तो एक तलवार ले लेते हैं बॉक्स से, कुछ बना देता हूं। इसको कर दो एनिमेट, और इसको बना दो पैसिव। अब देखो ये क्या करेगा, कपड़े को खींच रहा है पर कपड़ा फट नहीं रहा। तो अब हमें क्या करना है, इतने एरिया को यहां से ब्रश के साथ वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हो, जितने भी आपको सेलेक्ट करने हैं।
से कर दो ट्रेवल। और ये देखो ये सारे ब्लू अगर आपको हाइड करने व्यूपोर्ट में, वैसे रेंडर में तो देखेगी, व्यूपोर्ट में भी हाइड करने, तो शो में जाओ, इसमें आएगा कंस्ट्रेंट्स, हाइड हो गए। वहां से भी टेरेबल हो गया लगता है गलती से, कोई नहीं आगे प्ले करते हैं। वहां के वर्टेक्स सेलेक्ट मत करना, देख रहे हो टुकड़े हो गए कपड़े के। और यहां से आप डायनामिक कंस्ट्रेंट ऑफ करा सकते हो थोड़ी देर के लिए, फट गया कपड़ा तो कोई भी सीन दिखा सकते हो, जैसे आपको 3D कैरेक्टर का दिखाना है कि उसने अपनी शर्ट फाड़ी और अपनी एप्स दिखा रहा है, बॉडी दिखा रहा है, तो बहुत इजीली दिखा सकते हो। अब करते हैं फ्लैग, जैसे आपको झंडा उड़ते हुए दिखाना है, इसको बना दो एनक्लोथ, इसको बना दो पैसिव ताकि झंडा इस पे टच हो तो टकराए, और देन फिर इतने वर्टेक्स शिफ्ट के साथ इस पूरे सिलेंडर से। अभी हमने किया था कंपोनेंट टू कंपोनेंट, अब हम करेंगे पॉइंट टू सरफेस, अगर पूरे ऑब्जेक्ट पे करना है तो। पर झंडा तो गिर गया, अब हमें क्या करना है, इस झंडे के अंदर न्यूक्लियस है, इसमें है विंड, विंड बढ़ा दो, ऊपर की साइड जैसा चाहिए। अभी क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, ऊपर की साइड नहीं जा रहा, तो वाई एक्सिस भी बढ़ा दो, डायगोनली जाएगा। समझ आया कैसे झंडा लहराना है? हाँ तो फिर थोड़ा सा इधर कर दो ना, ये कोई डाउट यहां तक? तो इतना करो, हम नेक्स्ट सेशन में और आगे करेंगे।